हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसा कि हम आपको लगातार एग्रीकल्चर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट देते आ रहे हैं, उसी के साथ हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 2024 का जो नोटिफिकेशन है एग्रीकल्चरल ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के वैकेंसी से रिलेटेड, वो निकल चुका है और आपको क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब जो है एक वीडियो में बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं हम, आपकी जो है नंबर ऑफ पोस्ट भी जो है आपकी बहुत ज्यादा है, तो आप जरूर अप्लाई करें आप अगर आप कर्नाटका से हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, क्या आपका जो है प्रोसीजर रहने वाला है। तो आप जो है जनरली अगर आपको फॉर्म फिल करना है या और कोई डिटेल जाननी है तो कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मेन साइट है उस पर जाएंगे। और मैं अगर बात करूँ नंबर ऑफ पोस्ट की, जो आपने सामने देख ही लिया होगा 945 जो है आपकी सीट्स है। उसके बाद आपके जो है सैलरी क्या रहने वाली है और नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपकी एग्रीकल्चर ऑफिसर की 128 और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की 800 जो है 17 वैकेंसीज रहने वाली है। उसके बाद मैं बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो आपकी बीएससी बीटेक फूड टेक से हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सबसे जो है अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आप सारे जो है एलिजिबल हो। और मैं बात करूँ एज पर द कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशंस के नोटिफिकेशन के बारे में, तो उसमें जो है आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो है 18 साल तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 38 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का, और कैटेगरी 2A, 2B और आपका 3A और 3B तो उसके लिए 3 साल का। उसके बाद PWD वीडियो कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का। तो ये सब जो है आपकी एज रिलैक्सेशन रहने वाले हैं। देन उसके बाद मैं बात करूँ एप्लीकेशन फीस की, तो आपके एप्लीकेशन फीस ST SC और कैटेगरी 1 और PWD के लिए कोई फीस नहीं है। ST SC कैटेगरी और PWD के लिए कोई फीस नहीं है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपये। उसके बाद कि जो आपने कैटेगरी की बात करी अलग अलग, वो उसके लिए 300 रुपये, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600, और जो आपका पेमेंट है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, कैसा होगा? ऑनलाइन। उसके बाद मैं बात करूँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका कन्नड़ लैंग्वेज में जो है आपका एग्जामिनेशन होगा और कम्पिटिटिव एग्जाम रहने वाला है। देन उसके बाद मैं बात करूँ पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट की, तो आपने पहले बात कर ही ली। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ नेम ऑफ पोस्ट की, तो एग्रीकल्चरल ऑफिसर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की जो है 2 पोस्ट निकली है, तो इसकी सैलरी जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आपको 40 से लेकर 38,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है एग्रीकल्चर ऑफिसर की। उसके बाद असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर की 40 से थोड़ी 2-5 हज़ार कम है और बाकी का सेम है। उसके बाद मैं बात करूँ आपको जो है कैसे अप्लाई करना होगा, तो आप फर्स्टली जो है आप KPSC रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको जो है मेन जो मैंने साइट बताई फर्स्ट में उस पर जो है जाना है। उसके बाद आपको जनरली वहाँ पे आइकन दिखेगा, तो वहाँ पे ऑनलाइन मोड पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और नंबर मोबाइल नंबर डालने होंगे, आईडी प्रूफ डालना होगा। ठीक है, एज क्वालिफिकेशन रिज्यूम और ये सब जो है आपको वहाँ पर डालने होंगे। देन उसके बाद KPSC असिस्टेंट ऑफिसर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप वहाँ पे जो है लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, स्कैन करके आपको पहले ही रख लेना है। ठीक है, उसके बाद पे करेंगे, फीस सबमिट कर देंगे, तो आपका ये प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो आपका फॉर्म जो है 7/10/2024 से जो है स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपकी लास्ट डेट 7 नवंबर 2010 रहने वाली है। ठीक है, तो आपको 1 महीना जो है फॉर्म फिलिंग का दिया जाएगा। ठीक है, 1 मंथ जो है आपको फॉर्म फिलिंग का दिया जाएगा। देन उसके बाद मैं बात करूँ आपके सिलेबस की, तो सिलेबस मैं आपको बताऊँ तो सिलेबस की, ठीक है, तो आपके इसमें जो है जनरल एग्रीकल्चर आप जितने भी अदर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होंगे, चाहे वो IBPS AF हो गया, उसके बाद नाबार्ड हो गया, ठीक है, नाबार्ड हो गया, उसके बाद FCI हो गया, और अदर कोई भी एग्रीकल्चर वैकेंसी से रिलेटेड जो आप पढ़ रहे होंगे वही आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आप बिल्कुल जो है देरी ना करें और जब भी फॉर्म निकलेंगे तब आप जो है अप्लाई करें। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आप कर रहे हैं MSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस की तैयारी, तो आप हमारे न्यू बैच को जो है परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको रेगुलरली जो है क्लासेस मिलेगी और आपको जो है हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको जो वो
एग्रीकल्चर जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें हेल्प करेंगे, और आपको जो है प्रॉपर सिस्टमेटिक नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब लाइक द वीडियो। थैंक यू।